तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिकन पाई 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन को मैं अपने दूसरे चैनल पे ही अपलोड करने वाला था, पर अभी सब कुछ इतना परफेक्ट नहीं है, इसीलिए अमेरिकन पाई 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन को इस चैनल पर डाला जा रहा है। और अगर आपको अमेरिकन पाई 1 मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो आपको हमारे सेकंड चैनल पर मिल जाएगी, साथ ही आपको एक्सप्लेनेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो मूवी की शुरुआत में हम जिम को नैटली नाम की एक लड़की के साथ देखते हैं जो यहाँ पर अपने हॉस्टल में उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। वो लड़की भी उसके साथ मीट होने लगती है, लेकिन अभी इन दोनों के बीच में कुछ भी हो पाता तभी जिम के पेरेंट्स उसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। जिम के डैड जैसे ही उसके रूम में जाते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। जिम यहाँ पर अपने डैड को देखकर परेशान हो जाता है और उसे बहुत अजीब लगता है। जिम अपने डैड को बाहर जाने के लिए बोलता है। इस पर जिम के डैड कहते हैं, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, सेक्स करना एक आम बात है जो हर एक इंसान करता है। जिम के लिए इतना काफी नहीं था कि तभी उसकी मॉम भी यहाँ पर आ जाती है और जिम को एक लड़की के साथ इंटीमेट होता देख ऑकवर्ड फील करने लगती है। तभी यहाँ पर नैटली के भी पेरेंट्स आ जाते हैं और उसे एक लड़के के साथ इंटीमेट होते देख उन्हें बहुत गुस्सा आता है और इस तरह जिम का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। मूवी के अगले सीन में ऑस को कॉलेज के बाहर बुक पढ़ते हुए देखते हैं, तभी उसके पास स्टीफलर आता है, जिसके बाद दोनों क्लास रूम में चले जाते हैं। आज इनका एग्जाम होता है, लेकिन स्टीफलर को ये बात भी मालूम नहीं होती कि आज उसका एग्जाम है। एग्जाम खत्म होने के बाद ओज हैदर से मिलता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैदर अपने समर वेकेशन को एंजॉय करने के लिए शहर से बाहर जा रही है। तभी यहाँ पर केविन भी आ जाता है और ओज से समर वेकेशन पर जाने के लिए रेडी हो जाने के लिए बोलता है। अब जिम भी कॉलेज से अपने घर आगे होता है और नाडिया के ख्यालों में खोया था, जो हाई स्कूल के समय उसकी क्रश थी। तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं और उसे समझाते हैं कि लाइफ में अगर कोई चीज ना मिले तो उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, बस अपना हौसला बनाए रखो और कोशिश करते रहो, लाइफ में बहुत मौके मिलेंगे। इसके बाद हम स्टीफलर को देखते हैं जिसने अपने घर पर एक बार फिर से पार्टी रखी थी, जिसमें उसके सभी फ्रेंड्स और बहुत सारी लड़कियां आई थी और यहाँ पर सरमन भी होता है। तभी यहाँ पर कुछ लड़के स्टीफलर से उसकी मॉम और फिंच के अफेयर के बारे में बात करने लगते हैं। इस पर गुस्सा होकर स्टीफलर उनको पार्टी से बाहर कर देता है। जब फिंच, जिम और केविन इस पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं तब यहाँ पर कुछ लड़कियां आकर जिम का मजाक उड़ाने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने भी उसकी नाडिया वाली वीडियो को देखा था। तभी जिम और केविन की नजर बिकी और जेसिका पर पड़ती है। केविन की गर्लफ्रेंड बिकी ने प्रॉम नाइट के बाद उससे ब्रेकअप कर लिया था और काफी समय बाद मिलने से ये दोनों ऑकवर्ड फील कर रहे थे। अपनी गर्लफ्रेंड हैदर को एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद ओज भी इस पार्टी में आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि फिंच घूमते हुए स्टीफलर की मॉम के रूम में चला जाता है और उनकी चीजों को छूने लगता है, लेकिन तभी स्टीफलर फिंच को अपनी मॉम के रूम में देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसे वहां से भगा देता है, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि स्टीफलर को फिंच और उसकी मॉम के अफेयर के बारे में पता चल गया था और उसने उनको इंटीमेट होते हुए भी देख लिया था। इसके बाद हम स्टीफलर को क्रिस्टी नाम की एक लड़की के साथ घर के बाहर गार्डन में देखते हैं। वो उसके साथ एंजॉय करने के लिए यहाँ लाया होता है। क्रिस्टी उसके लिए ड्रिंक बनाने जाती है, लेकिन तभी ऊपर से एक लड़का स्टीफलर के ऊपर पेशाब करने लगता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि स्टीफलर और क्रिस्टी नीचे हैं। तभी गलती से एक फ्लावर पॉट क्रिस्टी के सर पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। स्टीफलर को लगता है कि क्रिस्टी उसके ऊपर ड्रिंक गिरा रही है और वो उसमें नहाने लगता है, लेकिन तभी स्टीफलर को उसका टेस्ट यानी स्वाद अजीब लगता है। जब उसे पता चलता है कि किसी ने उसके ऊपर सुसु किया है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर पुलिस आकर पार्टी को बंद करवा देती है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जिम को नाडिया का कॉल आता है। नाडिया उसे बताती है कि वो समर वेकेशन के एंड तक उससे मिलने के लिए आने वाली है और वो उसके साथ एंजॉय करेगी। ये सुनकर जिम थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो ओज और फिंच से मिलकर ये बात बताता है। वो उनसे कहता है कि नाडिया मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही है। इसके बाद ओज और फिंच कहते हैं कि अब तुम्हें इन सभी बातों का एक्सपीरियंस हो चुका है और अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। ये सुनकर जिम को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। अब केविन समर वेकेशन की प्लानिंग करता है, जिसके बाद सभी लोग अपना अपना बैग पैक करके अपने समर वेकेशन को एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं। केविन स्टीफलर को भी अपने साथ ले जाता है और मस्ती करते हुए ये सभी अपनी वेकेशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए इन लोगों ने एक घर रेंट पर लिया होता है। अब सभी लोग अंदर जाकर अपना अपना सामान रख देते हैं। यहाँ पर आने के बाद जिम अभी भी नाडिया के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, वो उसे खुश कर पाएगा या नहीं। तभी ओज कहता है कि इस बारे में उसे एक लड़की ही बता सकती है। अब जिम अभी तक केवल मिशेल के साथ ही इंटीमेट हो पाया था और वही उसे बता सकती थी कि वो लड़कियों के साथ कैसा परफॉर्म करता है। जिम को पता होता है कि मिशेल भी अभी इसी शहर में है और वो बैंड कैंप में आई हुई है। वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद उसे मिशेल मिल जाती है। वो मिशेल के पास जाकर उससे बातें करने लगता है और कुछ देर बाद
उससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि जब मैं तुम्हारे साथ पहली बार इंटीमेट हुआ तो तुम्हें कैसा लगा था। मिशेल पहले तो कहती कि उसे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसके बाद वो कहती है कि वो बहुत घटिया था क्योंकि तुम्हें खुद ही पता नहीं था कि तुम क्या कर रहे थे। इसके बाद मिशेल वहां से चली जाती है। अब जिम पहले से तो परेशान था ही, ये सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पर बैंड कैंप का डायरेक्टर आता है और उसे अपना ही आदमी समझकर अपने साथ बैंड कैंप में ले जाता है। यहाँ पर उसे बैंड बजाना होता है लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता और पूरे बैंड कैंप के सामने उसकी इज्जत का बैंड बज जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केविन विकी से मिलता है। इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ये दोनों कुछ देर एक दूसरे से बातें करते हैं जिसके बाद विकी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब ये सभी एक घर की पेंटिंग कर रहे होते हैं तो उस घर से दो लड़कियां निकलती हैं जो एक दूसरे को किस करती हैं। स्टीफलर ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। दोनों लड़कियों के इस अजीब व्यवहार से स्टीफलर को लगता है कि ये दोनों लड़कियां लेस्बियंस हैं। इस बात को वो अपनी सभी दोस्तों से भी बताता है लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। एक रात जब ओज अपनी गर्लफ्रेंड हैदर से बात कर रहा होता है तो वो दोनों फोन पर ही मजे करने लगते हैं, लेकिन स्टीफलर भी फोन पर इन दोनों की बातें सुन रहा था। जब इन दोनों को ये बात पता चलती है कि स्टीफलर फोन पर उनकी बातें सुन रहा है तो हैदर कॉल कट कर देती है और स्टीफलर की बात से ओज का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। इधर स्टीफलर जानना चाहता था कि वो दोनों लड़कियां लेस्बियंस हैं या नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाता है। जब दोनों लड़की अपने रूम से बाहर चली जाती है तो स्टीफलर विंडो से होकर उनके रूम में जाता है और उनको लेस्बियंस साबित करने के लिए प्रूफ खोजने लगता है। उसे रोकने के चक्कर में जिम और फिंच भी अंदर चले जाते हैं। स्टीफलर को उनके रूम में एक डिल्डो मिलता है। इससे स्टीफन को यकीन हो जाता है कि ये दोनों लेस्बियंस ही हैं। तभी ये दोनों लड़कियां फिर से वापस अपने घर आ जाती हैं। ओज अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए उनको बाहर ही रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती और अंदर अपने रूम में जाने लगती हैं। ये देखकर सभी परेशान हो जाते हैं जिसके बाद ये तीनों उसी रूम में छिप जाते हैं। दोनों लड़कियां अपने कपड़े चेंज करने लगती हैं और ये नजारा देखकर ये सभी एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी इनकी हलचल से डरकर वो दोनों पुलिस को बुलाने वाली होती हैं जिससे इन तीनों की हालत खराब हो जाती है और बाहर आ जाते हैं। स्टीफलर इनसे कहता है कि मैं ये केवल चेक करना चाहता था कि तुम दोनों लेस्बियंस हो या नहीं। अब इनके मजे लेने के लिए वो दोनों लड़कियां लेस्बियंस होने का नाटक करती है और इनसे कहती हैं कि अगर तुम हमें वो सब करते देखना चाहते हो तो तुम्हें हमारी हर बात माननी होगी। ये तीनों ठरकी राजी हो जाते हैं जिसके बाद ये दोनों मिलकर सबसे पहले स्टीफलर से फिंच के पिछवाड़े पर थप्पड़ मरवाती हैं। जिसके बाद जिम और स्टीफलर को किस करने के लिए बोलती हैं। ये इतने बड़े ठरकी होते हैं कि उनकी ये बात भी मान लेते हैं और जिम स्टीफलर को किस करता है। लेकिन चीजें तब खराब हो जाती हैं जब ये उन तीनों से एक दूसरे को हैंड जॉब देने के लिए बोलती हैं। ये तीनों भी समझ जाते हैं कि उनका मजा लिया जा रहा है। जिसके बाद ये तीनों वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद जब ये तीनों बात कर रहे होते हैं तो स्टीफलर के पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो समर वेकेशन को एंजॉय करने के लिए यहीं पर आने वाली होती हैं। फिंच को जब ये बात पता चलती है कि स्टीफलर की मॉम भी यहीं पर आने वाली हैं, तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे स्टीफलर की मॉम के साथ एंजॉय करने का चांस मिल सकता था। कुछ देर वहाँ जिम मिशेल से मिलने के लिए चला जाता है। वो उसे बताता है कि नाडिया को लेकर वो काफी परेशान है क्योंकि वो उसके साथ कोई भी बेवकूफी नहीं करना चाहता जैसे कि उसने मिशेल के साथ की थी। यहाँ पर वो मिशेल से ये भी पूछता है कि आखिर तुम प्रॉम नाइट के बाद मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। इस पर मिशेल उसे बताती है कि वो उसे सब कुछ बताकर सिचुएशन को और भी खराब नहीं करना चाहती थी। मिशेल भी अब समझ चुकी होती है कि जिम अपने सेक्स वाले लो कैरेक्टर को लेकर काफी परेशान है। इसके बाद वो खुद जिम को सेक्स के बारे में सिखाने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम्हें हर हालत में सबसे पहले खुद पर कंट्रोल करना सीखना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर बैंड कैंप का डायरेक्टर आ जाता है जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और जिम अपने रूम पर चला जाता है। जब जिम अपने रूम पर अकेला होता है तो उसे हैंड जॉब करने का थॉट आता है जिसके लिए वो अपने प्राइवेट पार्ट पर एक लोशन लगा लेता है। लेकिन इस ठरकी से यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। उसने लोशन की बजाय अपने प्राइवेट पार्ट पर सुपर ग्लू लगा लिया होता है जिससे कि उसका एक हाथ उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत बुरी तरीके से चिपक जाता है और जिम का सारा ठरकीपन उतर जाता है। इसके बाद जब वो दूसरे हाथ से ब्लू फिल्म वाली कैसेट को निकालता है तो उसका दूसरा हाथ भी उससे चिपक जाता है। इसके बाद बहुत सारे घरेलू उपाय के बाद भी जब ये सिचुएशन उससे कंट्रोल नहीं हो पाती तो वो एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है। इसके बाद जब वो अपने रूम से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलता है तो दरवाजा नहीं खुल पाता और मजबूरी में उसे खिड़की के रास्ते बाहर आना पड़ता है। लेकिन तभी उसकी एक पड़ोसी की नजर उस पर पड़ जाती है और उसे लगता है कि कोई चोर यहाँ पर घुस आया है और वो पुलिस को कॉल कर देती है। जिसके कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और जिम को छत के ऊपर घूमते हुए देखकर उसके ऊपर गन पॉइंट करके उसे दोनों हाथ ऊपर करने के लिए बोलती है। इस बेचारे के लिए शायद ये सब इतना काफी नहीं था। तभी उसकी पैंट भी खुल जाती है जिसके बाद पुलिस वाला भी उसकी पूरी सिचुएशन को समझ जाता है और नीचे उतारने के बाद उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर उसके फादर भी आ चुके होते हैं। तभी
स्क्रीन के पास बैठी एक लेडी जिम के हाथ में ब्लू फिल्म वाली कैसेट को देख लेती है और कहती है कि बेटा तुम्हें ये घटिया चीजें घर पर ही रख देनी चाहिए थी। ये सुनकर जिम के डैड का पारा सातवीं आसमान पर चढ़ जाता है। वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में तुम्हारा हाथ सुपर ग्लू से चिपक जाए तो तुम क्या करोगी। इसके बाद जिम डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके हाथ को वहाँ से अलग कर देती है, लेकिन इससे उसके प्राइवेट पार्ट में सूजन आ गया होता है। इससे डॉक्टर उसे अगले 7-8 दिनों तक अपने हथियार को यूज करने से मना करता है। अब जिम के लिए यहाँ सिचुएशन काफी बियर्ड हो जाती है, क्योंकि नाडिया भी एक हफ्ते के अंदर आने वाली थी। जिम का भी परेशान होता है कि वो उससे क्या कहेगा। जब जिम अपने दोस्तों के पास होता है तो उसके दोस्त उसका काफी मजाक उड़ाती हैं। जिम जब अपने रूम में जाता है तो देखता है कि उससे मिलने के लिए नाडिया यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन जिम नाडिया को देखकर थोड़ा भी खुश नहीं होता, क्योंकि अभी उसकी मुसीबत कम नहीं हुई थी। जिम नाडिया से सैटरडे तक वेट करने के लिए बोलता है। इसके बाद जिम मिशेल के पास जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हेल्प मांगता है। इस पर मिशेल जिम को एक प्लान बताती है। जिम मिशेल को अपने साथ नाडिया के पास लेकर जाता है और उससे कहता है कि मिशेल मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसे काफी पसंद करता हूँ और हम दोनों के बीच सेक्स भी हो चुका है। जिम और मिशेल ने एक्सपेक्ट किया था कि ये सुनकर नाडिया वहाँ से चली जाएगी, लेकिन नाडिया को देखकर ऐसा लगता है कि उस पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। नाडिया यहाँ पर पार्टी होने तक रुक जाती है। मिशेल जिम को बहुत सारे टिप्स सिखाती है कि कैसे खुद पर कंट्रोल रखा जाए। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट प्लान की, नाडिया के सामने ब्रेकअप करने की। इसके बाद जिम और मिशेल नाडिया के सामने ब्रेकअप करने का नाटक करती है। मिशेल जिम को कहती है कि तुम केवल सेक्स के भूखे हो, तुम्हें इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन नाडिया पर फिर भी इसका कुछ ज्यादा असर नहीं दिखता। लेकिन हम देखते कि मिशेल अब जिम के साथ इमोशनली अटैच होने लगी है। इसके बाद पार्टी अब शुरू हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं। इस पार्टी में केविन विकी को उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। इससे केविन को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब केविन के दोस्तों को पता चलता है कि केविन पार्टी छोड़कर चला गया है तो वो सब उसके पास आते हैं। ये सभी केविन से उसकी उदासी का कारण पूछते हैं, जिस पर केविन इनसे बताता है कि वो अभी पास्ट में ही जी रहा है। वो इनके साथ पार्टी करना चाहता था और विकी के साथ भी अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, और इन सभी बातों से साफ था कि केविन अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहा था। इसके बाद ओज केविन को मूव ऑन करने के लिए हिम्मत देता है और ये सभी मिलकर उसे पार्टी में फिर से आने के लिए कन्विंस कर लेते हैं, और ये लोग फिर से पार्टी में चले आते हैं। इसके बाद जिम नाडिया को ढूंढने चला जाता है। जिम नाडिया को बीच के किनारे लाता है। नाडिया जिम को लेकर लाइट हाउस में जाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन जिम उससे दूर भागता है और उससे मना कर देता है। वो नाडिया से कहता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड को पाना चाहता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं और तुम कभी भी एक नहीं हो सकते, इसीलिए अब मैं उसके पास जाना चाहता हूँ जिसे मैं सच में पसंद करता हूँ। इसके बाद जिम यहाँ से चला जाता है। जिम अब मिशेल को पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ हम देखते कि पार्टी में केविन फिर से विकी के पास आता है, लेकिन इस बार वो काफी अच्छे से बात करता है और वो उनसे सॉरी बोलता है। केविन विकी से बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ एक अच्छा दोस्त बनकर रहना चाहता है। विकी को भी केविन की ये बात बहुत अच्छी लगती है। तभी यहाँ पर ओज को सरप्राइज देने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड हैदर यहाँ पर अचानक से आ जाती है, और ओज यहाँ पर हैदर को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद हम देखते कि नाडिया सरमन की ओर अट्रैक्ट हो जाती है, जिसके बाद वो उसे सेड्यूस कर लेती है। सरमन के लिए भी काफी अच्छा मौका होता है, जिसके बाद ये दोनों एक रूम के अंदर चले जाते हैं। तभी इस पार्टी में हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जिनको स्टीफलर लेस्बियन समझता था, लेकिन इस पार्टी में वो दोनों लड़कियां जब स्टीफलर को रिवील करती हैं कि वो लेस्बियंस नहीं है, तो ये जानकर स्टीफलर की होश उड़ जाती है। वो दोनों खूबसूरत लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो दोनों भी राजी हो जाती है, जिसके बाद स्टीफलर इन दोनों के साथ चला जाता है। अगले सीन में मिशेल को देखते हैं जो कि बैंड कैंप में परफॉर्म करने वाली होती है, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई होती है। मिशेल जैसे ही स्टेज पर जाती है तो जिम उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आ जाता है और एक बहुत ही फनी एंट्री देता है। जिम को यहाँ पर देखकर मिशेल काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही रोमांटिक किस करते हैं। सभी लोग इन दोनों के लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद जिम मिशेल को यहाँ से लेकर पार्टी में चला जाता है। ये रात इन सभी के लिए काफी स्पेशल और ब्यूटीफुल होती है। सभी लोग अपनी अपनी डेट के साथ काफी इंजॉय करते हैं। विकी भी केविन के साथ डांस करती है। पार्टी के बाद सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह होने पर सभी लोग अपना अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलने वाले होते हैं, और इन सभी के लिए इस समर वेकेशन बहुत ही मजेदार और शानदार था। तभी यहाँ पर एक कार आकर रुकती है, जिसमें स्टीफलर की मॉम होती है। फिंच यहाँ पर उसे देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद फिंच उसकी कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। तभी अपना सामान पैक करके स्टीफलर भी रूम से बाहर आ जाता है। वो पूछता है कि कौन था। इस पर ही उसे झूठ बोलते हैं कि एक आदमी रास्ता भटक गया था। इसके बाद ये सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद ये लोग अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन फिंच को यहाँ ना देखकर स्टीफलर को शक हो जाता है कि उसकी मॉम यहाँ पर आई थी और अब फिंच के साथ गई हैं। इसके बाद
हम स्टीफलर की मॉम की कार को एक सुनसान जगह पर रुका हुआ देखते हैं जहां पर फिंच उसके साथ हुकअप कर रहा था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।